Hello students, I hope you all are well and safe at your homes. In today's video, I am going to explain you question answer of chapter 5, Wet in the Forest. Let's see the first question. Who were in the team that went to Bishnupur Forest? Bishnupur Forest में जो टीम गई थी उसमें कौन कौन मेंबर्स थे एंड वाई डिड दे गो देयर और वो वहाँ क्यों गए थे. हु जॉइंड देम आफ्टरवर्ड्स और उन्हें बाद में किसने ज्वाइन किया था. लेट्स सी द आंसर. एस सी डे चीफ वाइल्ड वार्डन ऑफ द स्टेट, इट मीन्स उस स्टेट के बंगाल स्टेट की जो चीफ वाइल्ड वार्डन थे एस सी डे वो. सुब्रतो चौधरी एन ऑफिसर स्पेशलाइजिंग इन ट्रैंकुलाइजिंग एनिमल्स और एक ऑफिसर थे सुब्रतो चौधरी जो कि एनिमल्स को ट्रैंकुलाइज करने के स्पेशलिस्ट थे एक्सपर्ट थे. एंड द ऑथर धृति के लाहिरी चौधरी वर देयर इन द टीम और जो ऑथर हैं धृति के लाहिरी चौधरी वो उस टीम के मेंबर थे. दैट वेंट टू बिश्नुपुर फॉरेस्ट जो टीम बिश्नुपुर फॉरेस्ट में गई थी. दे वेंट देयर टू हेल्प द वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वाइल्ड लाइफ विंग थी उनका जो वो विभाग था उसकी हेल्प करने के लिए गए थे. टू सेव अ यंग इंजर्ड एलिफेंट, एक जो यंग चोट लगा हुआ एनिमल था जिसके चोट लगी थी जो घायल था उस एलिफेंट को बचाने में उनकी हेल्प करने गए थे. अ वेटरनरी ऑफिसर जॉइंड दैम लेटर, अ वेटरनरी ऑफिसर जो कि जानवरों का डॉक्टर होता है उसने बाद में उन्हें ज्वाइन किया था. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. हाउ वॉज द हर्ड चेस्ट अवे, जो हर्ड था 50 एलिफेंट्स का उसे कैसे भगाया गया था. वाई डिड इट हैव टू बी चेस्ट और उसे क्यों भगाया गया था वहाँ से. द हर्ड वॉज चेस्ट अवे बाय ब्रस्टिंग क्रैकर्स एंड अ लॉट ऑफ नॉइज बाय द विलेजर्स. जो हर्ड था उसे भगाने के लिए पटाखे फोड़े गए थे और गांव वालों के द्वारा बहुत ज्यादा शोर मचाया गया. द हर्ड हैड टू बी चेस्ड अवे बिकॉज द इंजर्ड एलिफेंट वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड. जो हर्ड था उसे इसलिए दूर भगाया गया था क्योंकि जो इंजर्ड एलिफेंट था वो हर्ड के बिल्कुल बीच में था. एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द एनिमल फ्रॉम द हर्ड और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बिल्कुल असंभव काम था उस एनिमल को अपने ग्रुप से अलग करना एंड ट्रीट इट और उसका इलाज करना. नाउ लेट सी द थर्ड क्वेश्चन. और नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन वॉज टू आस्क द एंथुजास्टिक विलेजर्स फॉर हेल्प टू लोकेट और पेशेंट. दिस इज द लाइन फ्रॉम द चैप्टर, ये एक लाइन गिवन है चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट है. जो हमारा अगला प्लान था वो ये था कि जो एंथुजास्टिक इट मीन्स जो एक्साइटेड विलेजर्स हैं उत्साहित विलेजर्स हैं उनकी हेल्प लेना अपने पेशेंट, हियर पेशेंट इज एलिफेंट इंजर्ड एलिफेंट, उसकी लोकेशन को पता करने में. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सट्रैक्ट. हु वॉज द पेशेंट, यहाँ जो पेशेंट के बारे में टॉक की गई है वो पेशेंट कौन था. अ यंग इंजर्ड एलिफेंट वॉज द पेशेंट. इन दिस एक्सट्रैक्ट यंग इंजर्ड एलिफेंट वॉज द पेशेंट. इस एक्सट्रैक्ट में जो यंग एलिफेंट था जिसे चोट लगी थी घायल जो एलिफेंट था उसके बारे में बात की गई है, वो पेशेंट था. वाई डिड द स्पीकर्स टीम नीड हेल्प टू लोकेट द पेशेंट. जो स्पीकर की टीम थी जो ये कह रहा है उसकी जो टीम थी उन्हें पेशेंट की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए पता लगाने के लिए गांव वालों की हेल्प की जरूरत क्यों थी. द स्पीकर्स टीम नीडेड हेल्प टू लोकेट द पेशेंट because the local forest staff could not give an exact information about its location as the patient had been constantly moving with the herd. जो स्पीकर की टीम थी उन्हें हेल्प की पेशेंट की लोकेशन पता करने के लिए हेल्प की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि जो लोकल फॉरेस्ट स्टाफ था जंगल का जो लोकल स्टाफ था वो उसकी एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं बता पा रहा था और जो हर्ड है जो उनका पेशेंट है वो कंटिन्यू वहाँ से मूव कर रहा था, लगातार जो हर्ड है वो चल रहा था इसलिए वो लोग उनकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे. सो दे नीडेड हेल्प
to locate the patient's location. Which word tells us that the villagers were very willing to help? Willing means gladly, बहुत खुश थे वो help करने के लिए. कौन से word से हमें ये पता लगता है जो इस extract में given है? The word enthusiastic villagers, it means जो उत्साहित excited villagers थे, ये इस word से हमें पता लगता है गांव वाले बहुत खुश थे help करके. Tells us that the villagers were very willing to help, कि गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे help करने में. Now question number 4, we quickened or accordingly, ours accordingly in about 5 minutes, its hind legs bent under its body and then it slowly fell over sideways and lay on its side. This extract, हम जल्दी से हमारे अनुसार 5 मिनट के अंदर ही जो एलिफेंट है उसने अपनी जो आगे वाली लेग्स हैं वो बैंड करके अपनी बॉडी के नीचे दबा ली, बैंड कर ली, मतलब वो मुड़ गई, झुक गया एलिफेंट बैठने के लिए. एंड देन इट स्लोली फेल ओवर साइड वेज, और फिर वो धीरे धीरे अपनी साइड में लेटने लगा. एंड ले ऑन इट्स साइड, और पूरी तरीके से अपनी साइड में लेट गया. Now first question related to this extract, what did they quicken and why? उन्होंने बहुत जल्दी से क्या किया था और क्यों किया था? They quickened their footsteps because pricked by the dart, the elephant they were following had quickened its pace. उन्होंने जल्दी से जो अपनी फुट स्टेप्स थी, जो अपने कदम थे, वो आगे बढ़ाए थे क्योंकि जो डार्ट उसे लगी थी, प्रिक जो किया था, जो इंजेक्शन उसे लगा था एलिफेंट को, उसकी वजह से जो एलिफेंट है वो जल्दी से अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश होने लग गया था वो, उसने अपनी चेतना खो दी थी. नेक्स्ट, वॉट ले इट्स साइड एंड वाई, क्या साइड में लेट गया था और क्यों? The injured elephant lay on its side. जो injured elephant था, घायल जो elephant था, वो अपने side में लेट गया था because the tranquilizer had caused it to slip. क्योंकि tranquilize किए जाने के कारण वो गहरी नींद में जा रहा था. Question number 5. How did the vet treat the elephant? Vet ने elephant का इलाज कैसे किया? The vet first made a deep incision, it means cut, across the swollen part of the leg to bring out a flow of blood. सबसे पहले जो vet है उसने जो swollen part था, जो सूजा हुआ part था जिस पर swelling आई थी leg की जिस part पर, उस पर एक गहरा cut लगाया ताकि जो blood है वो बाहर आ सके. After the necessary treatment and a short of antibiotic, the others helped the vet to bandage the elephant's leg. जो भी necessary treatment था वो किया गया, उसके बाद में cut, deep cut लगाने के बाद में जो भी ज़रूरी treatment था वो किया गया, कुछ antibiotic उस पर लगाई गई, inject की गई, और दूसरों ने फिर वेट की हेल्प की एलिफेंट के उस पार्ट पर बैंडेज करने में, पट्टियां बांधने. लेट सी एक्सरसाइज बी, चूज द करेक्ट आंसर. यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. द टीम वाज इम्प्रेस्ड बाय द यंग मैन बिकॉज, जो टीम थी वो यंग मैन के वर्क से खुश थी. क्यों? ही न्यू वेयर द इंजर्ड एलिफेंट कुड बी फाउंड, क्योंकि वो जानता था कि यंग एलिफेंट कहाँ मिल सकता है. ही वॉज ऑलरेडी ट्रीटिंग द इंजर्ड एलिफेंट, वो पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर चुका था. He was helping the elephant although he had reason to be angry with the elephant. वो elephant की help कर रहा था जबकि उसके पास reason था उससे गुस्सा होने का, उस पर नाराज होने का. So the correct answer is C. Second question, Subrato's calmness made the speaker feel concerned because. Concerned means worry, यानी चिंता. जो सुब्रतो की शांति थी उसकी वजह से जो स्पीकर है वो भी चिंतित हो गया था. क्यों?
The speaker himself was feeling anxious. It means वो भी worry feel कर रहा था. Given the urgency of situation, Subrata was acting too slowly and calmly. क्योंकि जो सिचुएशन थी वहाँ की, जो परिस्थितियाँ थी, उसको देखते हुए जो सुब्रतो है वो बहुत ही धीरे धीरे और शांति से काम कर रहा था, इसलिए जो स्पीकर है वो चिंतित हो गया था. सुब्रतोज कामनेस मेड द पीपल डाउट हिज एबिलिटी. सुब्रतो के शांत रहने के कारण लोगों को उसकी योग्यता पर शक हो रहा था. द करेक्ट आंसर इज बी. थर्ड, Even after the treatment, the speaker's team worried about the elephant because elephant का इलाज करने के बाद भी जो टीम थी वो चिंता में थी. क्यों? Because the bandage they used was only for show. क्योंकि उन्होंने जो bandage बांधी थी वो केवल show के लिए थी, दिखावे के लिए थी. Option B, the elephant did not wake up when they expected it to. एलिफेंट जब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी ये उड़ जाएगा, तब भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. इट्स बॉडी टेम्परेचर वॉज टू हाई. उसका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा था. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. फोर्थ, दिस एक्सपीरियंस वॉज एन एडवेंचर बिकॉज इट फीचर्ड. ये जो एक्सपीरियंस था एक एनिमल का, एक इंजर्ड एलिफेंट का ट्रीटमेंट करना जो कि एक 50 वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप में था, ये बहुत ही बड़ा एडवेंचर था. एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. डेंजर एंड एक्शन, बट द स्पीकर न्यू इट वुड एंड हैप्पीली. डेंजर था, खतरनाक था ये काम, लेकिन स्पीकर जानता था कि ये खुशी खुशी समाप्त हो जाएगा. अ डेंजरस प्लेस एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड द स्पीकर वॉज सरप्राइज इन द एंड. ये बहुत ही खतरनाक जगह थी, जंगली जानवर थे, और जो स्पीकर था वो लास्ट में बिल्कुल सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था. चैलेंजेस एंड एक्साइटमेंट एंड द स्पीकर डिड नॉट नो हाउ इट वुड एंड. क्योंकि इसके अंदर चैलेंज था, एक्साइटमेंट था, और स्पीकर को नहीं पता था कि एंड कैसा होगा, क्योंकि उन्हें पहले से नहीं पता था कि वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज सी. फिफ्थ क्वेश्चन, वी नो दैट द एलिफेंट इन द टेक्स्ट वर लॉयल एंड पेशेंट बिकॉज हमें पता है कि जो एलिफेंट है वो बहुत ही वफादार और बहुत ही धैर्यवान था, क्योंकि दे कैप्ट कमिंग बैक टू हेल्प देयर कंपेनियन. क्योंकि हमने देखा था कि टेक्स्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो हर्ड था, जो ग्रुप था, वो अपने इंजर्ड एलिफेंट को बिल्कुल बीच में रख रहा था, उसकी पूरा ध्यान रख रहा था उसकी सेफ्टी का. और दे कैप्ट कमिंग बैक टू हेल्प द कंपेनियन, और वो अपने साथी की हेल्प करने के लिए वापस भी आए थे. दे कुड नॉट बी मेड टू लीव देयर कंपेनियन. वो बिल्कुल अपने जो साथी है उसको छोड़ कर नहीं गए थे. दे स्टूड गार्ड ओवर देयर कंपेनियन वाइल इट वॉज बींग ट्रीटेड. वो गार्ड की तरह वहाँ पर खड़े हुए थे, सुरक्षा कर रहे थे उसकी जब उसका इलाज किया जा रहा था. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. दे कैप्ट कमिंग बैक टू हेल्प देयर कंपेनियन, कि वो अपने दोस्त की हेल्प, अपने साथी की हेल्प करने के लिए वापस आए थे. I hope you have understand the story and question answers. You have to do these question answer and learn also. Thank you and have a nice day.